रात के अभी बज रहे हैं एक, मैं आपको दिखाता हूँ। इंसान रात को 1 बजे क्या करता है, क्या करता है आप ही बताइए। सोता है ना, सोता है ना। हाँ, और ये महारानी देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है ये, व्हाट इज दिस? कूड़ा। ये कूड़ा नहीं है, ये पॉलिथीन है जो हम हर बार दुकान से लाते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं सो दैट इसको हम रीयूज कर सके। दिस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या यार, रात को क्या लेके बैठ गए, मुझे भी नहीं पता क्या है ये। तुम लाई होगी कहीं पे, तुम कहीं से अचार मार के लाई होगी, उसमें सौंफ भी होगा जरूर। हाँ, अरे इन सब में मैं कूड़ा फेंक दूंगा, रख दो साइड में। तुम कितना कूड़ा फेंकते हो लोग को ना बताओ मत, हफ्ते में तो एक दिन कूड़ा फेंकने जाते हो। अरे तो वहाँ पे कोने में रख दूंगा ना मैं कूड़ा फेंकने के लिए। पता नहीं क्यों सब, क्या बोलूं अब मैं यार, बीवी से कोई कैसे ही जीत सकता है, पथेटिक। देखो व्हाट इज दिस रिकॉर्ड, ये क्या है, ये सब इन सब में से क्या सौंफ निकल रहे हैं ये है? ये क्या है, ये सब सौंफ है? पता है अगर हमारे ये व्लॉग कोई रेस्टोरेंट वाला देखेगा ना, हमें एंट्री नहीं देगा। नहीं, ये आजकल होम डिलीवरी में मिलता है स्विगी से। तो काफी ज्यादा दिन हो गए थे कि मैंने कुछ खास मतलब लाइफ में ना ब्लंडर नहीं किया, तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि मतलब इतना सारा टाइम बीत गया, मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे बन गया, पिछले 6-7 महीने में मैंने कोई मतलब उल्टा सीधा काम कैसे नहीं हुआ मुझसे, कोई गलती कैसे नहीं हुई मुझसे, क्योंकि जनरली मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ। तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी लापरवाही से किसी का नुकसान नहीं हुआ, जनरली मेरे मॉम डैड का होता था, शादी के बाद शोमिता का होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि मतलब पिछले 6 महीने में ऐसा क्या, ऐसा मतलब क्यों, ऐसा क्यों। तो फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया ही था कि हम लोग अभी कलकत्ता जा रहे हैं, मैं और शोमिता, एंड शोमिता की डिलीवरी भी वहीं पे हमने प्लान की है। इसका बेसिक सिर्फ एक ही रीज़न है कि लाइक 7 महीने शोमिता मेरे साथ है। सो ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान यू नो जो जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस होता है, जैसा आपका मूड रहता है, उसी हिसाब से बच्चे में भी सेम चीज़ें आती हैं, राइट? सो मेरे पास जो भी मतलब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करता था लाइक कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो वो सब कुछ मैंने शोमिता के सामने किया। मैं मतलब इवन आई हैव रेड हर स्टोरीज एज वेल, सो दैट कि मतलब मेरे जितने भी गुण हैं उसमें आ सके। बाकी मुझे शोमिता में बहुत सारे गुण हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड वन ऑफ विच इज़ दैट शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। सो मैं नहीं चाहता कि मतलब जो भी मेरा नेक्स्ट जनरेशन है वो मतलब मेरी तरह मतलब लाइक मतलब कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हो, इट्स नॉट टू बी इन अ राइट प्लेस। सो वो फीचर मैं चाहता हूँ कि शोमिता से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आए। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मतलब यू नो क्योंकि शोमिता के घर में एवरी मतलब लाइक इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो जॉइंट फैमिली का एटमोसफेयर काफ़ी अलग होता है, एंड हम तो यहाँ पर सिर्फ 2 जने ही रहते हैं, एंड शोमिता वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो जाती है, एज यू नो कि मैं सारा दिन घर पर नहीं रह पाता, एंड रात को भी आता हूँ तो मतलब यू नो बहुत लिमिटेड सी बातें हो पाती है। सो दैट्स वाई, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ब्लंडर बात थी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या बेकार एक ब्लंडर किया है। सो दिस इज द टिकट्स जो कि हमने कलकत्ता के लिए काटी थी, राइट? सो मेरी फ्लाइट की टिकट हमने काटी थी क्योंकि 6 महीने पहले, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सस्ते थे एंड उस टाइम पे ट्रेन भी नहीं चल रही थी, सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू गो विद द फ्लाइट्स, बट मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सो एज यू कैन सी 13th March को सुबह 7 बजे मेरी फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, जिसमें कि 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे, राइट? एंड सब कुछ बिल्कुल सही है, आई मीन टू से हम दोनों के नाम हैं,
टिकट नंबर्स हैं, सीट नंबर्स हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है, वेट. प्रॉब्लम इसमें है. नाउ सी, मुझे 21 तारीख को कैलकाटा से दिल्ली आना था, बट एज यू कैन सी, मैंने जो टिकट काटी है वो दिल्ली टू कैलकाटा काटी है. मतलब इससे बड़ा ब्लंडर मैं कर सकता हूं? दिल्ली टू कैलकाटा, मैं पहले दिल्ली टू कैलकाटा जाऊंगा, फिर मुझे कैलकाटा से वापस आना है, उसके लिए मैंने ये टिकट काटी, बट इस टिकट में मैं कैलकाटा से दिल्ली नहीं, मैं दिल्ली से कैलकाटा दोबारा वापस जा रहा हूं. पानी समझ के पी मत लेना, ठीक है? तेल है. क्या क्या? तेल है, पानी समझ के पी मत जाना. तो उस बोतल में तेल क्यों रखा है? मिडिल क्लास हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इतना केयरलेस क्या कोई हो सकता है? गाइज, मैं हो चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे एक दोबारा से टिकट काटनी है, जो कि दोबारा से 5,000 रुपए की पड़ेगी, एंड आई एम पिस्ड ऑफ अ लॉट. मतलब आप ब्लंडर का मतलब समझ रहे हो? मतलब मैंने 6 महीने पहले एक टिकट काटी, उस टाइम पे जब टिकट का कंफर्मेशन आया उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया. केयरलेस एक बार बंदा हो सकता है, नहीं बार बार तो नहीं हो सकता ना, बट मैंने, क्योंकि अब फ्लाइट के सारी चीजें, मतलब फ्लाइट अभी पास में ही आ रही थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रिंटआउट निकाला जाए. मैंने प्रिंटआउट निकाला, प्रिंटआउट निकालते टाइम भी मेरे को ये समझ नहीं आया कि टिकट्स गलत काटी है मैंने. बट जब मैं घर आया, मैंने खुशी खुशी अपनी वाइफ को दिया, शोमिता को, कि देखो टिकट्स काटी है मैंने. कितना रिस्पॉन्सिबल आदमी बन चुका हूँ मैं, कि कितनी प्लानिंग कर चुका हूँ मैं, कि कितना अच्छा हस्बैंड बन रहा हूँ मैं, कि केयरलेसनेस तो मेरे में अब है ही नहीं. फिर क्या हुआ आपकी? फिर लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया. आपकी टिप्पणी इस सिचुएशन पे? कुछ नहीं, शर्म करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे. कैसे मैं पहले से बहुत गुस्से में हूँ. क्यों? कैसे पूछ कैसे रहे हो? क्यों? अरे हो गया गलती, क्या कर सकते हो. मतलब एक इंसान टिकट काट रहे, बताओ. Now she has lost all hopes in me. अरे अब हो गया, क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं. सी, अब इसके बाद ना मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं बैठ के रोऊं, जिससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, एंड एक और चीज है कि ये जितनी भी टिकट्स मैंने काटी थी वो सारी की सारी नॉन रिफंडेबल थी, नॉन रिफंडेबल, तो सारा पैसा गया पानी में. सेकेंड चीज, इसको पॉजिटिवली लेते हैं, आगे केयरलेस नहीं बनेंगे, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ अपने आप को जब भी मैं कोई केयरलेस काम करता हूँ तो. हाँ, मतलब फिर मैंने ये भी सोचा कि ऐसा कर लेते हैं कि 13 तारीख को मैं जाता हूँ, बीच में एक वापस आने का टिकट काट लेते, फिर दोबारा चले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा महंगा डील पड़ रहा था, इसलिए प्लान ड्रॉप कर दिया. सो अभी कल का प्लान ये है दैट मेरे मॉम और मेरी बहन आ रही है टू विजिट अस आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, सो वी आर गोइंग टू होस्ट देम. एंड कल कुछ स्पेशल मेन्यू तो नहीं होगा, कल एवरीथिंग विल बी वेजिटेरियन, सो कल का मेन्यू विल शेयर विद यू. तो जितने भी लोग हैं जो मुझे ये बोलते हैं दैट कि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज ही खाता हूँ, नहीं भाइयों, हम लोग वेजिटेरियन भी खाते हैं, कल इसका प्रूफ आपको ज़रूर मिलेगा. सो आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि कल वेजिटेरियन क्यों है? वेल, मॉम की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि उनको वेजिटेरियन ही खाना है, उन्होंने स्पेसिफिकली कॉल करके बोला है दैट उनको वेजिटेरियन खाना है, सो वेजिटेरियन इट इज. जनरली ऐसा होता है कि मैं ऐसा केयरलेस बिहेवियर करता हूँ ना, तो मेरे डैड मुझे बहुत डांटते थे, तो अब उनका रिएक्शन तो मुझे नहीं पता है इसको वीडियो को देख के क्या रहेगा, बट आई विल ट्राई इट ऑन माई सासू माँ. आज रात को जब बेसिकली आज रात को जब शोमिता अपने लाइक मेरी सासू माँ को कॉल करेंगी, तो मैं उनको बताऊँगा, लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा रहता है ये सुन के कि दैट अराउंड लाइक मेरे को जो
झटका पड़ा है दैट इज अराउंड 8,000 रुपीज। उनका रिएक्शन क्या रहेगा? টোটাল লস করেছে জানো কি করেছে টোটাল লস টিকিট কেটেছে শোনো আমাদের যাওয়ার টিকিটটা ঠিক কেটেছে যাওয়ার টিকিটটা ঠিক কেটেছে ঠিক আছে আসার টিকিটটা 3,000 টাকা টিকিটটা আবার দিল্লি থেকেই কলকাতা কেটেছে কলকাতা থেকে দিল্লি আসার কাটেনি ওটা অফারে কেটেছিলাম তো আবার 21 তারিখ আবার 5,000 টাকা দিয়ে টিকিট কাটলো জানো এ বাবা কি বলবে বলো দেখো না কেরম মাথা মোটা মোটা ওটা কিছু হবে না ওটা কেন ওইটা 1 টাকা হবে না না 0 0 রিফান্ড এ বাবা টোটাল লস 5,000 বাপি কি বলছো টোটাল লস করেছে টোটাল লস गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू छोड़ो रहने दो सुबह सुबह आज मुझे उठा दिया गया है मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए तो इसी बात पे आज आप लोगों को सुनाया जाएगा गुरुग्राम में स्वच्छता कैसे मेंटेन की जाती है अभी हमको बताइए मैडम नहीं मैडम गाना सुनाइए नहीं जब कूड़ा वाला था तो क्या गाना आता था नहीं सुना दो नहीं सुना दो इसके आगे ऐसे नहीं अरे वो एक लाइन वो जो तुमने अभी गाया वो तो गाना ही पड़ेगा वो गलत गाया है नहीं क्या क्या था गुरुग्राम तुझ पे ना क्या गुरुग्राम तुझको सलाम तेरे स्वच्छता पे ऊंचा नाम उसके बाद कुछ नहीं है बेइज्जती कर रहे हो तुम सुबह सुबह सो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी मम्मी और मेरी बहन आने वाले हैं बट सुबह सुबह उनका प्लान थोड़ा लेट हो गया और मैं बाल कटाने चला गया तो बाल मैं कटवा चुका हूँ बट अभी बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि मिठाई और दही लेनी थी तो उसकी वजह से मैं लेट हो चुका हूँ मम्मी और बहन जिस कैब में आ रहे थे वो कैब हो चुकी है मिस इन द सेंस कि मतलब वो खो चुकी है कहीं पे तो वो रास्ता ढूंढने में थोड़ा लेट है इसी गैप में हमने सारी चीज़ें खरीद ली हैं और अभी जा रहे हैं हम घर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं मिठाई भुजिया और सीट के नीचे है दही जल्दी चलो यही है क्या ना ये उबर तो नहीं है मेरे को लगा यही वाला उबर है जिसमें मम्मी और बहन आ रहे हैं मतलब कोई गुड़गांव में रास्ता कैसे खो सकता है वो आ गए क्या लग तो नहीं रहा चलो हम तो भाई घर पहुंच गए अभी ऊपर जाके देखते हैं शायद मेरे ख्याल से वो पहुंच चुके हैं चलो ऊपर चलते हैं चलो, 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 चलो। खोलो इसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस ये दूध है अरे टॉक दो ही क्या रहने चो हेलो मॉम हेलो आओ बैठो
তুমি এটা কত থেকে তেলে গুজিয়ে উঠে গেছে এখন থেকে এখন থেকে তো উঠে গেল দেখলাম যে আমি खाओ खाओ मिठाई मिठाई खाओ ये एज ऑलवेज बिजी अपने किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी यही चलता रहता है इसका कर दो पापा को फोन कर दो हाँ खोलो खोलो मम्मी का रिएक्शन लेते हैं हाँ मम्मी पता है मैंने टिकट काटा था प्लेन का यहाँ से जाने का टिकट काटा था 13th को तो वो टिकट है मेरा और शोमिता का टिकट है लेकिन वापस आने का मेरा अकेले का था वो भी मैंने दिल्ली टू कलकत्ता काट दिया और उसमें मेरे खर्चा हुए अब मतलब फाइनली मतलब जितना मेरा नुकसान हुआ वो हुआ 8,000 का अरे नहीं मजाक नहीं सच्ची हुए वो तो मैं 3,000 दिए थे टिकट ओटा नॉन रिफंडेबल थे रिफंड होय नहीं তার পরে আবার টিকিট কাটলো 5,000 সিট অল দিল্লি টু ক্যালকাটা না না obviously not वो तो फिर कलकत्ता टू दिल्ली काटूंगा ना मैं बट कांट बिलीव यू ना यू आर सो स्टूपिड कांट बिलीव यू ये यहाँ पे क्या ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन कंपटीशन चल रहा है क्या मॉम एज यूजुअल दोपहर को सो गई हैं यहाँ पे इनका फोटो सेशन चले ही जा रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है अच्छा शाम को सोया चाप मंगवाए सोया चाप और मोमोज सोया चाप और मोमोज मंगवाए मंगवाए कि नहीं मंगवाए बाय 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 आमी किछु करी नी साधु बाबा वाले पादुका है कौन फेंकिस के हैं फिर ये सडनली टिकट कटे जावे ना ये पादुका है किसके हैं ये ये पादुका कौन लाया है मैं दीस आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाबा दीस आर नॉट ब्यूटीफुल दिस इज ब्यूटीफुल बाबा चलो चलो बाय 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 द्वितीयटा